अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ मटन यखनी पुलाव। बहुत आसान, बहुत मज़ेदार। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, इसके लिए आधा किलो मटन, इसको मैंने एक दफ़ा उबलते हुए पानी से निकाल लिया था ताकि जो एक्स्ट्रा फैट है वो निकल जाए। और जो चीज़ें यखनी बनाने के लिए हमें चाहिए उनमें है अदरक, लहसुन और जो छोटा सा प्याज, बाकी ये जो आपको गरम मसाला साबुत नज़र आ रहा है उसमें जो है वो पाउडर था मेरे पास, धनिया पाउडर था तो मैंने वही डाल रही हूँ इसमें। बाकी ये सारी चीज़ें जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं वो हम इसमें डालेंगे। और इसमें मैं दो गिलास जैसे चावल बना रही हूँ तो फिर मैंने इसमें 5 गिलास जो है वो मैंने पानी इसमें डाला है और इसको इतना पका देंगे कि जो गोश्त है हमारा, जो मटन है वो गल जाए। मैंने ऑयल लिया, अब उसमें मैंने थोड़ा सा मसाला डाला, गरम मसाला। इसको हम थोड़ा सा जब तक इसकी खुशबू आती है इसमें हम पकाएंगे। उसके बाद इसमें मैंने 2 प्याज, तो मीडियम साइज़ के प्याज जो हैं वो स्लाइस करके वो डाल दिए। पुलाव का जो प्याज होता है वो हमेशा सुनहरी जो गोल्डन सा कलर होता है ना प्याज का, वो ही उसमें अच्छा लगता है। तो हम इसको थोड़ा सा गोल्डन होने तक पकाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि जो प्याज है वो मज़ीद रंग जो है वो तब्दील ना करे। फिर इसमें हमने जो अपना गोश्त था वो हमने बॉईल किया था जिसकी हमने यखनी बनाई थी वो हम इसमें डाल देंगे। इसको अब हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसमें जो मैंने लहसुन यखनी में डाला था उसको मैंने यखनी का जब मैं गोश्त निकाल तो साथ उसको भी निकाल लिया और बाकी जो यखनी थी उसको मैंने छान लिया था। जो लहसुन था उसको मैंने ज़रा सा हाथों से मसल कर और फिर उसे पीस लिया और वो अब मैं इसमें डाल रही हूँ। बस अब हम इसको भी फ्राई करेंगे। मैं एक क्लिप मुझसे मिस हो गया, वो था उसके लिए इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली थी और ये येलो कलर जो आपको नज़र आ रहा है वो इस हल्दी ही की वजह से है और वो मैंने थोड़ी सी हल्दी भी डाली थी इसमें। तो जो यखनी थी और उसमें जो मज़ीद मैंने पानी मुझे चाहिए था वो भी मैंने डाला और अब मैंने नमक भी इसमें डाल दिया। ये थोड़ी काली मिर्च और ऑब्वियसली जो पुलाव है उसका मेन इंग्रेडिएंट है और फिर थोड़ी सी हरी मिर्च है। ये हरी मिर्चें तेज़ थी इसलिए मैंने इसको काटा नहीं। अगर आपकी हरी मिर्चें जो हैं वो इतनी तेज़ ना हो तो आप उन पर थोड़ा सा कट लगा सकते हैं या चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी। अब ये जो चावल थे वो मैंने भिगो के रख दिए थे 1/2 घंटे के लिए, तो आपको मैंने इसमें डाल दिए। बस अब आपने इसे हल्के हाथों से ही इन्हें हिलाना है और इसका नमक जो है आपने स्टेज पे चेक कर लेना। मैंने चेक कर लिया था तो मुझे बिल्कुल परफेक्ट था मेरा। तो उसके बाद फिर मैंने अब इसको ढक दिया, ढक कर इसका पानी जो है वो खुश करना। आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो इसका पानी है वो ड्राई हो चुका है। दम दूंगी तकरीबन ये 10 मिनट का दम इसको लगेगा और फिर आपका चावल तैयार है। पुलाव आपका रेडी है और इंजॉय कीजिए। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो